नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, न्यू विजन स्कूल ऑनलाइन क्लास में आप सर्वेनुं हार्दिक स्वागत छे। आजे धोरण 7 विषय हिंदी प्रकरण 4 देश के नाम संदेश। देश के नाम संदेश आजे आपणे देश के नाम संदेश मां हवे पछीनो अभ्यास करवानो छे। राष्ट्रपति ने मिसाल दी कि अमेरिका और जापान में कुत्ते के मालिक को उसकी छोड़ी हुई गंदगी साफ करनी पड़ती है। फिर शासन व्यवस्था के बारे में डॉक्टर कलाम ने कहा कि हम सरकार चुनने के लिए वोट डालने जाते हैं और अपनी सारी जिम्मेदारियां भी वही उलट आते हैं। हम आराम से बैठ कर सोचते हैं कि अब हमारे नाच नखरे उठाए जाएंगे। हम सोचते हैं कि हमारा हर काम सरकार करेंगी और हम फर्श पर पड़ा हुआ रद्दी कागज એટલે કે કચરો ઉઠાકર ઉસે કૂડેદાન કે ડાલને કી જહમત તક નહીં ઉઠાએંગે। રેલવે હમારે લીએ સાફ સુથરે બાથરૂમ દેગી ઓર હમ ઉન્હે ઠીક સે ઇસ્તેમાલ કરના ભી નહીં સીખેંગે। ડોક્ટર કલામને કહા કે સમાજ કી જ્વલંત સમસ્યાઓ પર ભી હમારા એસા હી રવૈયા હૈ। હમ ડ્રોઈંગ રૂમ મેં બેઠકર દહેજ કે ખિલાફ गला फाड़ते हैं और अपने घर में इसका उल्टा करते हैं और बहाना देखिए पूरी व्यवस्था की ही खराब है। अगर मैं अपने बेटे की शादी में दहेज नहीं लूंगा तो इससे कौन सा बड़ा फर्क पड़ जाएगा। રાષ્ટ્રપતિએ ઉદાહરણ આપ્યું કે અમેરિકા અને જાપાનમાં કૂતરાના માલિકને તેણે કરેલી ગંદકી સાફ કરવી પડે છે। પછી શાસન વ્યવસ્થા વિશે ડૉક્ટર કલામે કહ્યું કે આપણે સરકાર ચૂંટવા માટે વોટ આપવા જોઈએ છીએ અને આપણે સર્વ જવાબદારીઓ પણ ત્યાં મૂકતા આવીએ છીએ। આપણે આરામથી બેસીને વિચારીએ છીએ કે આપણા નાચ નખરા સહન કરવામાં આવશે। આપણે વિચારીએ છીએ કે આપણું બધું કામ સરકાર કરશે અને આપણે જમીન પર પડેલો રદી કાગળ એટલે કે કચરો પણ કચરાપેટીમાં નાખવાની તકલીફ પણ નહીં લઈએ। રેલવે આપણા માટે સ્વચ્છ સાફ બાથરૂમ આપશે અને આપણે તેને યોગ્ય રીતે વાપરતા પણ નહીં શીખીએ। ડૉક્ટર કલામે કહ્યું કે સમાજની સળગતી સમસ્યાઓ વિશે પણ આપણું આવું જ વલણ હોય છે। આપણે દિવાન ખાનામાં બેસીને દહેજની વિરુદ્ધ ગળું ફાડીએ છીએ અને પોતાના ઘરમાં એનાથી ઉલટું આચરણ કરીએ છીએ અને બહારનું જુઓ પૂરેપૂરી વ્યવસ્થા ખરાબ છે। જો હું મારા દીકરાના લગ્નમાં દહેજ ન લઉં તો તેનાથી શું મોટો ફરક પડી જશે। રાષ્ટ્રપતિને ઇસ સંદેશ મેં પૂછા ઇસ વ્યવસ્થા કો બદલેંગા કોણ યહ વ્યવસ્થા યે કિસકા। आप आसानी से कह देंगे व्यवस्था में शामिल है हमारे पड़ोसी, आसपास के घर, अन्य शहर और सरकार, लेकिन मैं और आप कतई नहीं। जब कुछ अच्छा करने की हमारी बारी आती है तो हम अपने परिवार को सुरक्षित कवच में घेर लेते हैं, दूसरे देशों की ओर निहारते हैं और इंतजार करते हैं कि कोई मिस्टर क्लीन आएगा, अपने जादुई हाथों से चमत्कार करेगा और ऐसा नहीं होता तो आप देश छोड़कर ही चल देंगे। उन्होंने कहा हम अपने भविष्य भागकर अमेरिका जाएंगे। उनके गौरव का गुणगान करेंगे, व्यवस्था की प्रशंसा करेंगे और जब न्यूयॉर्क असुरक्षित हो जाएगा तो आप इंग्लैंड भाग जाएंगे। इंग्लैंड में बेरोजगारी होगी तो खाड़ी चले जाएंगे और जब खाड़ी में युद्ध छिड़ जाएगा तो आप मांग करेंगे कि भारत सरकार हमें बचाकर घर ले जाए,
हर कोई देश को गाली देने को तैयार है पर व्यवस्था में सकारात्मक योगदान के बारे में नहीं सोचता। क्या हमने अपनी आत्मा को पैसे के हाथे गिरवी रख दिया है? डॉक्टर कलाम। व्यवस्था में नागरिकों के सकारात्मक योगदान के लिए देशवासियों को चकचोर देते हुए श्रेष्ठ नागरिक बनने की शुरुआत करने की अपील करते हैं। हुए देश में कहा गया है कि अगर आप वाकई संदेश से सहमत है तो इसे अपने दस और साथियों को ईमेल से भेजिए। परिवार के सभी बड़ों को मेरा प्रणाम, तुम्हारा मित्र किरण। राष्ट्रपति आ संदेश में पूछ्यू, आ व्यवस्था ने बदल से कौन? आ व्यवस्था छे कोनी? आप सहेला थी कई देशों आ व्यवस्था में मरेला छे? अपना पड़ोसी, आसपासना घर, बीजा शहर, अन्य समुदाय अने सरकार, पर हूँ अने तमे बिल्कुल नहीं। जयरे कहीं सारूँ करने अपना वारो आए थे तेरे अपने अपना परिवार ने सुरक्षित कवच में घेरी लीए छे, बीजो देश तरफ जोए छे अने प्रतीक्षा करिए छे कि कोई मिस्टर क्लीन आवशे, पोताना जादू हाथी चमत्कार करशे अने आव न थाय तो तमे देश छोड़ीने ज चाली निकलशो। तेमणे कह्युं, अपने अपना भयथी भागीने अमेरिका जईशुं, एमना गौरवना गुणगान करीशुं, व्यवस्थानी प्रशंसा करीशुं अने ज्यारे न्यूयॉर्क असुरक्षित थई जशे त्यारे तमे इंग्लेंड रवाना थई जशो। इंग्लेंडमां बेकारी વેપાશે તો અખાતના દેશોમાં ચાલ્યા જઈશું અને અખાતના દેશોમાં યુદ્ધ ફાટી નીકળશે તો આપણે માગણી કરીશું કે ભારત સરકાર અમને બચાવીને ઘેર લઈ જાય। દરેક વ્યક્તિ દેશને ગાળ દેવા માટે તૈયાર છે પરંતુ વ્યવસ્થામાં સકારાત્મક યોગદાન આપવા માટે વિચારતું નથી। શું આપણે આપણા આત્માને પૈસા ખાતર ગીરવી મૂકી દીધો છે? ડૉક્ટર કલામ। વ્યવસ્થામાં નાગરિકોના સકારાત્મક યોગદાન માટે દેશવાસીઓને ઢંઢોળે છે। શ્રેષ્ઠ નાગરિક બનવાની શરૂઆત કરવાની અપીલ કરતા સંદેશમાં કહેવામાં આવ્યું છે કે તમે ખરેખર આ સંદેશ સાથે સહમત છો હો તો આ સંદેશને પોતાના 10 સાથીઓને ઈમેલથી મોકલો। પરિવારના સૌ વડીલોને મારા પ્રણામ, તારો મિત્ર કિરણ। અભ્યાસમાં પ્રશ્ન 3 કે શબ્દો કો ઉચિત ક્રમમે રખકર અર્થપૂર્ણ વાક્ય બનાઈએ કે મેં સફાઈ ખુદાઈ હે તો સફાઈ મેં ખુદાઈ હે, મેરા ભારત મહાન, મેરા ભારત મહાન, લેના ઓર દહેજ પાપ દેના હે તો દહેજ લેના ઓર દેના પાપ હે, આદર્શ ભારત કો આવો બનાઈએ મિલકર રાષ્ટ્ર, તો વાક્ય બનશે આવો મિલકર ભારત કો આદર્શ રાષ્ટ્ર બનાઈએ। દહેજ એક દૂષણ ઈસવી સેકર કારણ સહિત અપના મત દીજીએ તો દહેજ કે પ્રથા સમાજ કે લીએ અભિશાપ બન ગઈ હે। દહેજ કે કારણ યોગ્ય શિક્ષિત કન્યાઓ કા ઉચિત સમય પર વિવાહ નહીં હો પાતા, યદિ વિવાહો ભી જાતા હે તો દહેજ ન લાને અથવા કમ લાને કે કારણ નહીં વધુ કો તાને ઓર વ્યંગ સુનને પડતે, ઇતના હિ નહીં ઉસે શારીરિક ઓર માનસિક યતના ભી દી જાતી હે। કુછ દહેજ લોભી તો વધુ को आत्महत्या के लिए मजबूर कर देते हैं या जला भी देते हैं। जिस दहेज के कारण इससे दर्दनाक और शर्मनाक कांड होते हैं वह सचमुच समाज का दूषण है, उसका कभी समर्थन नहीं किया जा सकता है। प्रश्न नंबर 6, हम स्वयं कैसे अपने कर्तव्य का पालन करके आदर्श नागरिक बन सकते हैं एवं भारत को आदर्श राष्ट्र बनाने में योगदान दे सकते हैं? इस विषय पर दिए गए प्रारूप के आधार पर अपने मित्र को पत्र लिखने अपने विचार बताए तो अपना पता तो 2777 आदर्श सोसाइटी 8 लाइन्स सूरत। दिनांक 16 जुलाई 2012। संबंधन प्रिय मित्र निलेश, अभिवादन, सप्रेम नमस्ते। पत्र लिखने के कारण तुम्हारा पत्र
मिला, तुमने आदर्श देशप्रेमी नागरिक के बारे में जानने की इच्छा प्रकट की है। इस बारे में मैं इस पत्र में अपने विचार प्रकट कर रहा हूँ। पत्र का विषय वस्तु, आदर्श नागरिक को अपने देश के कायदे कानून का पालन करना चाहिए। अपने यह ही कि पंचायत या नगर पालिका को उसके कामों में सहयोग देना चाहिए। सार्वजनिक स्थानों पर गंदगी नहीं करनी चाहिए। देश के सभी धर्मों और भाषाओं का सम्मान करना चाहिए। चुनाव के समय अपने आसपास के नागरिकों को मतदान के लिए प्रेरित करना चाहिए। बट भूकंप अकाल के समय पीड़ित लोगों की हर संभव सहायता करनी चाहिए। सरकार की किसी नीति या कानून का विरोध करना हो तो शांतिपूर्वक करना चाहिए। दहेज जैसे रिवाजों का विरोध करना चाहिए। मेरे विचार से इस तरह का आचरण कर हम आदर्श नागरिक बन सकते हैं और देश के विकास में अपना योगदान दे सकते हैं। अन्य समाचार कि मेरी माताजी अब बिल्कुल स्वस्थ है। राजीव बल्ली भाती पढ़ाई कर रहा है। मुन्नि तुम्हें बहुत याद करती है। समाप्ति। तुम्हारे परिवार में बड़ों को प्रणाम और छाटों को प्यार। संबंध। तुम्हारा मित्र। नाम संजय ठक्कर। स्वाध्याय। प्रश्न नंबर 3। निम्नलिखित वाक्यों के काल पहचानिए। मैं क्रिकेट खेलता हूँ, तो तेनो जवाब आवशे वर्तमान काल, एटले के सामान्य वर्तमान काल। मैं कल अंबाजी गया था, तो पूर्ण भूतकाल। कोई गाना गा रहा है, अपूर्ण वर्तमान काल। आज ठंड ज़्यादा होगी, तो सामान्य भविष्यकाल। कल हम स्कूल किसे प्रवास जा रहे हैं, तो अपूर्ण वर्तमान काल। परसों कश्मीर में हिमवर्षा हुई, सामान्य भूतकाल। कल परिवर्तन कीजिए, काल परिवर्तन कीजिए। मैं बाजार गया, तो मैं बाजार जाऊंगा। मंदिर में पूजा होगी, तो मंदिर में पूजा हुई। शिमला में हिमवर्षा हुई, तो शिमला में हिमवर्षा होगी। मैंने पढ़ाई की, तो मैं पढ़ाई करता हूँ। भाषा सजता। पढ़िए और समझिए, एक मियन में दो तलवार नहीं समा सकती। कहावत है कि एक वस्तु के दो समान अधिकारी नहीं हो सकते। यदि जो महत्वाकांक्षी लीडर एक पार्टी में रहेंगे तो सदा अटल टकराव की स्थिति रहेगी, क्योंकि एक मियन में दो तलवार नहीं समा सकते। खुदा पहाड़ निकली चूहिया। अधिक मेहनत अथवा लाभ कम। ज़्यादा मुनाफे के लिए उसने बड़ी होटल बनाई थी, पर पूरे साल में उसको नाम पत्र का ही मुनाफा हुआ। इसी को कहते हैं खोदा पहाड़ निकले चूहिया। जिसकी लाठी उसकी भैंस शक्तिशाली की जीत होती है। सेठ जी ने अपने निर्दोष नौकर पर चोरी का इल्जाम लगाकर उसे 2 साल के लिए जेल भेजने दिया। किसी ने ठीक ही की कहा है कि जिससे लाठी उसकी भैंस। उपयुक्त अभ्यास के आधार पर निम्नलिखित कहावतों के अर्थ देकर वाक्य में समझाइए कि चांद पर थूका मुंह पर गिरा, तो सज्जन की बुराई करने से अपना ही नुकसान होता है। छोटा मुंह बड़ी बात, तो अपनी योग्यता से बढ़कर बात करना। दूर से ढोल सुहाने, तो दूर से हर चीज अच्छी लगती है। दोनों हाथ से मैं लड्डू के दोनों तरफ से लाभ। सांप भी मरे और लाठी भी ना टूटे, बिना हानि उठाए काम बन जाए। तो विद्यार्थी मित्रों, आजे होमवर्क में आइडल में प्रकरण 2 हम भी बने महान
તેમાં પેજ નંબર 9 અને 10 ઉપરનું હોમવર્કમાં લખવાનું છે. અસ્તુ. જય હિન્દ. જય ભારત.